हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, और गाइस मैं बताता हूँ आज हम कैसे इलेक्ट्रिक वो जनरेट करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो सारा जो हमारा सामान वो यहाँ पर रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है इस क्या बोलते हैं वाटर पंप की मदद से जो इलेक्ट्रिक वो जनरेट करने वाले हैं। ये जो वाटर पंप है जिसमें जो नॉर्मली कूलर में यूज करते हैं, तो गाइस इसकी मदद से हम जो इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, हम जो है 12 वोल्ट का यूज करेंगे और 220 वाट जो हम लोग इलेक्ट्रिक वो जनरेट करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, 12 वोल्ट का यूज करके 220 वाट इलेक्ट्रिक वो जनरेट करने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पर जो ये एलईडी बल्ब, ये आप लोग देख सकते हो, नॉर्मली जो हमारे घर में यूज होता है वो जो एलईडी बल्ब है, ये जो 220 वाट से चलता है। तो गाइस, इसको जो हम जलाने वाले हैं 12 वोल्ट से 220 वाट में कन्वर्ट करके हम जो इस एलईडी बल्ब को वो जलाने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ऐसी और मस्त और मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो सारा जो हमारा सामान है, जो सेटअप, वो पहले मैं रेडी कर लेता हूँ, फिर जो आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो गाइस, पहले जो हम ले रहे हैं 12 वोल्ट की मोटर, इसको जो पहले हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर ये जो आगे वाला इसका जो पॉइंट है वो आप लोग देख सकते हो। और गाइस, मैं यहाँ पर एक मेरे पास टेप है, और गाइस इस टेप की मदद से हम जो इसका आगे का जो थोड़ा जो इसका आगे जो आगे का जो हिस्सा है उसको थोड़ा मोटा करेंगे। और गाइस, आगे का जो पार्ट है उसको मैं काट देता हूँ कुछ इस तरीके से। और गाइस, अब जो हमारा जो वाटर पंप है, इसका जो आगे का पार्ट है वो कुछ इस तरीके से निकल जाता है, और पीछे का भी निकल जाता है, बट पीछे का निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो बस मैं आगे का निकाल देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है आप लोग देख सकते हो, इसको जो नॉर्मली ऐसे घुमाकर ऐसे निकालने पर ये निकल जाता है। और गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक छोटा सा इसमें रॉड का टुकड़ा लगा होता है कुछ इस तरीके का। और गाइस, यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का जो है मोटर टाइप का एक मैग्नेट होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो पूरा एक मैग्नेट है। और गाइस, ये जो है एक क्या बोलते हैं प्रोपेलर टाइप का ये बना हुआ है। और गाइस, ये जो एक मैग्नेट की तरह है जो है। और गाइस, अब क्या करते हैं, ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हो, इसमें एक छोटा सा होल है। और गाइस, ये जो मोटर का जो आगे वाला पॉइंट है, इसको हम इसमें कुछ इस तरीके से फंसा देंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो आगे का जो पॉइंट है उसको हमने इसमें अटैच कर लिया है कुछ इस तरीके से, ये जो इसमें फिक्स हो चुका है। और गाइस, अब जो क्या करते हैं, जैसे जो था इसमें एक बड़ा सा होल है, और गाइस इसमें इस मैग्नेट को फिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और गाइस, ये जो ऐसे ही नहीं रहेगा, इसको जो एक हमको सेटअप बनाना पड़ेगा, उस पर हम लोग इसको रख के पूरा सेट कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पर जो हमने पूरा सेटअप वो रेडी कर दिया, आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल अच्छे से अटैच कर दिया है, और ये जो पूरा इसमें फिक्स हो चुका है कुछ इस तरीके से, आप लोग देखो। और गाइस, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक होल्डर लेते हैं, ये जो एक होल्डर है आप लोग देख सकते हो। और गाइस, अब क्या करते हैं, ये जो इसका नीचे वाला जो पॉइंट है, इसमें जो ये जो दो वायर दिख रहे हैं, ये जो वाटर पंप की जो दोनों वायर है जिससे जो इलेक्ट्रिक वो जाती है इसमें, और इसको जो है इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो इसमें हमने कनेक्ट कर दिया है वायर को। और गाइस, यहाँ पर हम लेते हैं, गाइस यहाँ पर लेते हैं हम लोग जो है एलईडी बल्ब। तो गाइस, अब जो मैं इसको इसमें कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, इसमें लगा देता हूँ। और गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब जो रेडी हो चुका है। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट का चार्जर, ये जो 12 वोल्ट का चार्जर है, चाहे तो आप बैटरी का भी यूज कर सकते हो, बट हमारे पास जो बैटरी वो नहीं है 12 वोल्ट की, और इसी काम यूज करेंगे। और गाइस, यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है, और बस क्या करना है, इसको जो बोर्ड में लगाना है और चालू करना है, और फिर देखते हैं कि जो हमारा बल्ब है वो जलता है या फिर नहीं, क्या जो हमारा 12 वोल्ट का जो करंट है वो 220 वोल्ट में चेंज होगा कि नहीं। तो गाइस, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो गाइस, अगर हम डायरेक्ट जो इस बल्ब को जलाएंगे 12 वोल्ट से, तो ये तो 12 वोल्ट से नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो 220 वोल्ट से करंट से चलता है। तो अब जो है मैं बोर्ड ले लेता हूँ, और इसको मैं इसमें लगा देता हूँ, ये जो बंद है। और गाइस, यहाँ पर अब मैं चालू करता हूँ, एंड 3 2 1 करते हैं, एंड 3 2 1। और गाइस, यहाँ पर आप लोग देखो,
जो करंट है वो चेंज हो चुका है, जो हमारा बल्ब है वो जला, आप लोग देखो एक बार। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो 220 वाट है, ये जो 12 वोल्ट का चार्जर, 12 वोल्ट का मोटर, एंड यहाँ पर जो चेंज हो जा रहा है 220 वाट में, और 220 वाट में ये जो है बल्ब वो जल रहा है, आप लोग देखो। और मैं जला के दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो हमारा जो काम है वो पूरा जो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देखो। यहाँ पर जो है ये जो 12 वोल्ट का मोटर, ये जो 220 वाट जो इलेक्ट्रिक वो जनरेट करता है, यहाँ पर ये जो वाटर पंप है ये भी उतने से चलता है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक वो जनरेट होता है। और आप लोग देखो, और गाइस यहाँ पर जो वायर वो आप लोग देखो पूरा इसी का है, कोई हमने अलग से कोई सिस्टम नहीं किया है। और यहाँ पर नीचे आप लोग सोच रहे हो कि नीचे कुछ भी नहीं, मैं एक बार निकाल देता हूँ यहाँ पर आप लोग। और गाइस यहाँ पर जो एक बार सारी लाइट्स में बंद करता हूँ और देखते हैं इसकी जो रोशनी वो कितनी है, नॉर्मली उतनी होनी चाहिए। और गाइस यहाँ पर जो इसकी रोशनी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल से होती है, थोड़ी सी कम लग रही है, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो रोशनी वो बिल्कुल अच्छे से देता है, आप लोग देखो बहुत अच्छे से यहाँ पर जो रोशनी वो हो रहा है, आप लोग देखिएगा। तो मैं जो अब बंद कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा सिस्टम वो मैं बताता हूँ कैसे काम कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, जब हम जो मोटर को चलाते हैं तो गाइस इसके ठीक डायरेक्शन में जो अंदर का जो मैग्नेट टाइप का जो था इसका मोटर वो उसमें हमने फिक्स किया है, तो जब वो उल्टे डायरेक्शन में घूमता है तो इसमें से होता है इलेक्ट्रिक जनरेट। तो गाइस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वो जनरेट होती है और वो चेंज हो जाता है 220 वाट में, 220 वाट में वो चेंज होता है। और गाइस यहाँ पर जो हमारा एलईडी बल्ब वो जलता है और 220 वाट करंट वो जनरेट हो जाता है, और आप लोग देखो। तो गाइस यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर जो सारा सिस्टम वो हमारा काम कर रहा है, और यहाँ पर कोई फेक वीडियो ये नहीं है, ये जो बिल्कुल रियल है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको मजा आएगा, वीडियो पसंद आया वो आया होगा और वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। तो गाइस वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब इसी और मस्त और मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।